मसीह के बरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल होशाना टीवी के साथ। अजीजों, आज जिस उनवान को हमने आपके लिए चुना है वो उनवान है दुआ कैसे करनी चाहिए। और इस उनवान को पेश करने के लिए हमारी आज की बहुत ही प्यारी मेहमान हमारे साथ हैं। तो आइए मिलकर अपनी आज की मेहमान को अपने स्टूडियोज में वेलकम करते हैं। मिसेस मरियम शेरून, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू सो मच सिस्टर। तो अजीजों, आइए आज सीखते हैं कि हमें दुआ किस तरह करनी चाहिए, दुआ क्या है, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्या हम सही तरीके से दुआ करते हैं। तो आइए इस उनवान को सीखने के लिए सबसे पहले हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि कलाम मुकद्दस आज के इस उनवान के बारे में हमें क्या बताती है। तो आप सब मिलकर मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिए। हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील में से उसके 6:5-13। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिंद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाएज़ बरकत हो। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में आज हमने सीखा और देखा कि किस तरह हमें दुआ करनी चाहिए। कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि हमें ऐ हमारे बाप कहकर दुआ करनी है। तो आइए अपनी आज की मेहमान से अपने इस उनवान को कि दुआ कैसे करनी चाहिए सीखते हैं। तो आइए अजीजों सीखते हैं आज के उनवान के बारे में। सो मिसेस मरियम, हमें बताइए कि दुआ किस तरह करनी चाहिए। जैसा कि हमने बाप के शुरू में देखा कि यीशु मसीह ने हमें एक मेथड, प्रॉपर मेथड दिया है। हमारा खुदा जो तरतीब का खुदा है, उसने हमें हर एक चीज़ को, हर एक काम को तरतीब से करने के लिए कहा। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए तो उन्होंने भी हमें तरतीब सिखाई। और आज हम, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, हम दुआ के बारे में सीख रहे हैं कि दुआ कैसे करनी चाहिए। और सबसे पहली बात कि दुआ हमें हमेशा दिखावे के लिए नहीं बल्कि पर्सनल रिलेशन खुदा के साथ रखने के लिए करनी है। दुआ जब भी करनी है तो तन्हाई में जाके खुदा के साथ दुआ करें। अब इसमें ये बात भी नहीं कि हमें लोगों के साथ नहीं करनी मिलकर। लोगों के साथ जब हम मिलकर करते हैं तो वो खुदा की हुजूरी में हम प्रस्तुति करते हैं और खुदा की हुजूरी में मिलकर भी दुआ करते हैं, लेकिन दिखावे की दुआ नहीं होनी चाहिए। सेकंड, हमें दुआ किस तरह से करनी है, तरीका क्या है, मेथड क्या है। हमें दुआ खुदावन के नाम से और खुदा बाप के नाम से शुरू करना है। जैसा कि हम देखते हैं कि मत्ती में शुरू में ही जब खुदा बाप ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया तो खिदमत शुरू करने से पहले खुदा ने मोहर कर दी कि ये मेरा प्यारा बेटा है। और जब हम मत्ती की अंजील उसका 3:16 में देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद खुदा ने ये मोहर कर दी थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है। तो जब खुदा बाप ने यीशु मसीह के बारे में कहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तो बाज़ औक़ात हम
मास्टर के साथ बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो जब दुआ करते हैं तो वो कहते हैं यीशु बाप, जो कि हमें कलाम में कहीं भी नहीं मिलता। मत्ती की अंजील से शुरू करके तमाम चारों अनाजील में जब हम देते हैं, खतूत में हम देखते हैं, तो यीशु बाप का लफ्ज़ हमें नहीं मिलता। और हम खुद देखते हैं कि मत्ती की अंजील में 5 बाब से लेकर 7वें बाब, बल्कि इसके बाद भी जब यीशु मसीह तालीम दे रहे थे, जब यीशु मसीह ने मुजज़ात किए, तो उसने बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और मत्ती 5 बाब और 7 बाब में, 5 से 7 बाब में बाप का लफ्ज़ जो है वो 16 मरतबा आया है। इसमें वो यीशु मसीह ने मुखातिब किया अपने बाप, तुम्हारे आसमानी बाप, तुम्हारा बाप, या अपने बाप कह के तुम्हारे आसमानी बाप। तो ये जब 16 टाइम 16 बार इस्तेमाल हुआ है, तो ये इस बात की तस्दीक है कि आसमानी बाप से हमें बाप करनी है, बाप कहकर दुआ करनी है। और यीशु ने भी जब खुद भी दुआ की तो उन्होंने आसमान की तरफ आंखें उठाकर, आसमान की तरफ हाथ उठाकर, तो आसमानी बाप के, आसमानी बाप कहकर मुखातब करके तो दुआ की। मत्ती 7:21 में यीशु मसीह ने जो जुमला बोला, मेरे आसमानी बाप, और फिर उसके बाद ही तुम्हारे आसमानी बाप, ये एक ताल्लुक को भी जाहिर करता है कि ये बात सचमुच पक्की है। खुदा जो आसमान पर है वो बाप है, और जो उसने ज़मीन पर भेजा यीशु मसीह, वो बेटा है। और फिर हम एक और तस्दीक देखते हैं कि मत्ती की अंजील 8:29 और उसकी 29वीं आयत में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जब यीशु मसीह ने मुजज़ात शुरू किए, तो पहला मुजज़ा तो यीशु मसीह ने काना गलील में किया, लेकिन बदरूहों को निकालने का जो पहला मुजज़ा किया, तो बदरूहों ने भी कहा कि हम जानते हैं कि तू कौन है। उन्होंने कहा कि ऐ खुदा के बेटे। तो इस बात से तस्दीक होती है कि बदरूहें भी जानती थी कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, ना कि यीशु मसीह बाप है। और फिर इसके साथ चलते चलते हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों के साथ बातचीत की, तो उस वक्त भी यीशु मसीह ने बाप का लफ्ज़ बहुत बार इस्तेमाल किया, तुम्हारा बाप कहकर। और शागिर्दों को भी जब तालीम दी, भीड़ में जब यीशु मसीह ने तालीम दी, तो उनको भी बाप कहकर, आसमानी बाप, तुम्हारा बाप कहकर उनको तालीम दी, उनको सिखाया। और जब यीशु मसीह ने खुद सिखाया कि खुदा को हमें बाप कहकर पुकारना है, तो फिर खुदा बाप है और यीशु मसीह बेटा है। तो इस वे में यीशु मसीह हमारा भाई है, यीशु मसीह हमारा बाप नहीं हो सकता। और हम मत्ती की अंजील 11:25-27 आयत में भी चंद लम्हों के लिए देखेंगे, मैं इसको आपके लिए पढ़ देती हूँ। मत्ती की, अगर आप मेरे साथ हवाला निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, तस्दीक के लिए भी कि आप खुद भी जान जाएंगे कि मत्ती की अंजील में कहाँ कहाँ खुदावन ने यीशु मसीह के लिए, या यीशु मसीह ने खुदा के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। मत्ती की अंजील 11:25 आयत से लेकर 27 आयत तक है। उस वक्त यीशु ने कहा, ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावन, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाईं और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके बेटे, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। इन आयात में भी हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह खुदा को बाप कहकर मुखातिब करता है। बिल्कुल। और फिर हम जैसा मत्ती की अंजील 6:1 में हम दोबारा जाएंगे कि जो मेथड यीशु मसीह हमें सिखा रहे थे कि हमें बाप कहकर दुआ करनी है, तो फिर
हम देखते हैं कि पहले यीशु मसीह ने खुदा बाप की हम्द भी की, उसको कहा कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। तो जब हम दुआ करते हैं तो हमें आसमानी बाप की बादशाही को भी उसकी हुजूरी में सराहना है, उसकी हम्द करनी है। सिर्फ यही नहीं कि हम हम्द इसी को कहें कि हम लोग प्रस्तिश करते हैं, बिल्कुल वो भी हम्द है खुदा के नाम की तारीफ़ करना, लेकिन जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो हम अपनी दुआ के शुरू में जब कहते हैं कि ऐ हमारे बाप, तो हमें उसके नाम को सराहना है, हमें उसकी कुदरत को सराहना है और उसके बहुत से नामों का और उसकी मेहरबानियों का भी शुक्र करना है। तो ये हम एक तरीका देख रहे हैं कि दुआ का तरीका या मेथड क्या है कि यीशु मसीह ने इस तरह से किया, और फिर वो उसी तरह से हमें भी सिखाता है। ना सिर्फ उसने हमें सिखाया कलाम के सिला से, बल्कि गैर कौमों को भी इसी तरह से कहा गया है कि जो उस वक्त गैर कौमें थी, फकी या फ्रीसी जो थे, वो क्योंकि ज़्यादातर दुआ जो थी वो बाज़ार में, बाज़ार के चौराहों पर या मोड़ों पर दुआ करना पसंद करते थे, और वो ऊंची आवाज़ में या वो इस तरह से शो ऑफ करना चाहते थे कि वो बड़े दुआगो हैं या वो बड़े मजहबी हैं। लेकिन यीशु मसीह ने तालीम दी, यीशु मसीह ने उस वक्त भी उनको सिखाया कि दुआ जो है वो दिखावे की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुआ का मतलब ही है खुदा से बातें करना। बिल्कुल। तो जब हम आपस में भी बात करते हैं तो हम नहीं चाहते कि दूसरा कोई हमारी बात सुन ले, यकीनन ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो पर्सनल बातें जो हम खुदा से कर रहे होते हैं, क्योंकि दुआ एक जो है गुफ्तगू का अंदाज है, हम बातचीत कर रहे होते हैं खुदावंद खुदा से जब हम खुदा से दुआ करते हैं, तो हम अपने दिल के बड़े राज खुदा को बता रहे होते हैं, और हम नहीं चाहेंगे कि ये बातें किसी और को पता चलें। तो मेरे अजीजों, मालूमात का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।